कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.1 बहुपद। आज की क्लास में हम इस प्रश्नावली के सभी सवाल करेंगे, तो आपको सभी सवाल ध्यान पूर्वक समझने हैं। और ये प्रश्नावली समझने से पहले जो हमने पिछली क्लास पढ़ी है, इस प्रश्नावली का सामान्य परिचय, बेसिक कंसेप्ट, वो वाली क्लास आप जरूर देखें, तो ये वाली क्लास आपको 100% समझ में आने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले पहला सवाल, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये तो सवाल दे रखे, मैं आपको बताना है कि कौन कौन एक चर बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो देखो, सबसे पहले चर क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। चर अंग्रेजी वाले जितने भी अक्षर होते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, यानी कि जिनका मान बदलता रहता है, वो कहलाते हैं चर। क्या कहलाते हैं बेटा? चर। जैसे यहाँ x ये चर है, y चर है, t चर है, अंग्रेजी वाले जितने भी अक्षर होंगे वो चर है। एक होता है अचर। क्या होता है अचर? जिनका मान कभी भी नहीं बदलता है, मतलब गिनती वाले नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, ये क्या कहलाएंगे आपके, ये अचर कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। और जब बहुपद क्या होता है, बहुपद, बहुपद क्या होता है, कोई भी बीजीय व्यंजक है, उस बीजीय व्यंजक के चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बीजीय व्यंजक के चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या, ठीक है, किसकी घात बेटा, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं जानते हो, जो जीरो से शुरू होती है और कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है, वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो किसी भी चर की घात में अगर ये वाले नंबर आ गए, पूर्ण संख्या आ गई, तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2x की घात 2, अब देखो यहाँ एक चर की घात 2 है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये एक क्या है, बहुपद है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बस ये ना माइनस में नहीं आनी चाहिए घात, अगर माइनस में आ गए तो ये बहुपद नहीं है, इसकी घात 1/2 ऐसे भिन्न में नहीं आनी चाहिए, अगर ये आ गए तो ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद के चर की जो घात है वो केवल एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर 1, पहले का पहला, इसने कहा है कि निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद है। देखो यहाँ पर चर मतलब अंग्रेजी वाला नंबर देखना है, अंग्रेजी वाला नंबर x और यहाँ भी क्या है, x, एक ही चर है, एक ही ना, x ही है, तो ये क्या है, ये एक चर बहुपद है। कितने चर बहुपद है, एक। कारण क्या लिखोगे, कारण के साथ उत्तर, क्योंकि इसमें एक चर क्या है, x है, क्योंकि क्योंकि यहां x एक ही क्या है, चर है, ठीक है बेटा, इसके अलावा कोई चर नहीं है। और बहुपद का पता कैसे चला, देखो यहां घात 2 है, यानी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला, यहां पे यहां भी है, देखो y की घात 2 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है ना, 2 पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये क्या है कि बहुपद है। और इस बहुपद में कितने चर है, चर मतलब अंग्रेजी वाला नंबर कितना है, एक वाई है, तो ये क्या लिखेंगे यहां भी, एक, यह एक चर बहुपद है, क्यों है, क्योंकि यहां पर वाई एक ही क्या है, चर है, इसके अलावा कोई चर नहीं है। देखो ये वाला, अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझना है, यहाँ पर ये वाला आपके बहुपद नहीं है। अब देखो बेटा बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 3 और यहाँ देखा अंडर रूट का 3, अब ये जो अंडर रूट है ना, उसका मतलब होता है घात 1/2, अंडर रूट का मतलब t की घात है 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है उसी संख्या की घात 1/2 होता है। देखो अगर यहाँ t की घात 1/2 है तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद की घात कभी भी भिन्न नहीं होती, बहुपद की घात केवल क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। कारण क्या लिखोगे, क्योंकि क्योंकि मतलब अंडर रूट टी की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। देखो यह वाला, यहां भी देखो y प्लस 2/y आ रहा है,
देखो ये वाला नंबर अगर देखें तो इसकी घात कितनी, एक। अगर कोई अचर राशि है, कोई अक्षर वाले यानी कि चर है, उसकी घात कुछ नहीं होती, कितना मानते हैं, एक मानते हैं। यहाँ भी घात कितनी है, एक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये यहाँ आ रहा है, बटे में आ रहा है वाई। तो हम क्या, अगर इसको हम चेंज करें, हम इसको ऊपर लेके जाएं, तो देखो y की घात एक एज इट इज रहेगा, प्लस अगर हम इसको उल्टा करें मतलब इसको बदलें, तो मैं बताया हुआ नियम बताया था पिछली प्रश्नावली में, अगर कोई संख्या नीचे है जैसे एक बड़ा दो, अगर इसको बदलना है और इसकी घात एक है प्लस में, तो इसको बदलना है तो एक इंटू इसकी घात किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। जब हम ऊपर लेके जाते हैं किसी नंबर को, तो जैसे ये दो तो एज इट इज रहेगा इंटू, इसको ऊपर लेके जाओगे इसकी घात हो जाएगी माइनस का एक हो जाएगी। जैसे माइनस एक हुई तो बताओ क्या होगा, वाई की घात एक प्लस दो और वाई की घात माइनस का एक, माइनस एक आ रहा है घात, तो माइनस एक आ रहा है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। कारण क्योंकि यहाँ पर घात कैसी है, माइनस में, घात ऋणात्मक है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप सीधा सीधा ये ध्यान रखो कि जब अगर अंग्रेजी वाला अक्षर भाग में, अगर भाग में बटे में, वो एक बहुपद नहीं होता क्योंकि उसकी घात किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब देखो ये वाला, यहाँ एक दो तीन कितने चर हैं, तीन अलग अलग है तीनों, एक्स ये भी चर है, वाई ये भी चर है, टी ये भी क्या है, चर है। तो क्या लिखेंगे, यह कितने हैं, तीन चर बहुपद हैं। कितना चर बहुपद है, तीन, क्यों, क्योंकि x y z ये क्या है, तीनों अलग अलग है और तीन चर हैं। तो आपसे इसने केवल पूछा था कि एक एक चर में बहुपद कौन कौन सा है, पहले नंबर का एक चर में है, दूसरे नंबर का एक चर में है, ये वाले नहीं है, और ये वाला कितने चर में है, तीन चर में है, ये दोनों तो बहुपद ही नहीं है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार देना है। दो दूसरा वाला, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर का क्या लिखना है बेटा, गुणांक। अब देखो ये क्या होता है, x स्क्वायर के जो गुणा में आ रहा है, जैसे यहाँ पर है दो x स्क्वायर प्लस तीन, अब यहाँ x स्क्वायर के गुणा में कितना है, दो, इसका मतलब x स्क्वायर का गुणांक कितना है, दो है। x स्क्वायर के जो गुणा में है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, और अगर x स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, जैसे यहाँ x स्क्वायर प्लस तीन है, अब पूछ लिया कि x स्क्वायर का गुणांक बताओ, कुछ नहीं है तो फिर कितना है, एक है, कुछ नहीं है तो कितना है, एक, क्योंकि a को एक से गुणा करोगे क्या आएगा, x स्क्वायर ही आएगा। x स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो कितना है बेटा, एक है। तो देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक, देखो सबसे पहले बताओ बेटा यहाँ क्या है, x स्क्वायर का गुणांक मतलब x स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कितना है, एक है, कितना है, एक। अब यहाँ देखो सब दूसरे, x स्क्वायर का गुणांक, अब यहाँ बताओ x स्क्वायर के गुणा में, देखो यहाँ भी कुछ नहीं है, कितना है, एक, लेकिन एक किसका है, माइनस का है, यहाँ तो प्लस का, यहाँ तो प्लस का ही था तो प्लस ही लिखा मैंने। अब बताओ यहाँ देखो x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक बताओ x स्क्वायर के गुणा में कितना, ये रहा कितना है, पाई बटा दो है x स्क्वायर के गुणा में। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक, अब यहाँ है क्या, x स्क्वायर दिख रहा है क्या, x स्क्वायर है ही नहीं, अगर है ही नहीं तो क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, इसमें x स्क्वायर है ही नहीं तो क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। देखो अगर मान लो इसमें पूछ लिया जाता आपसे कि x का गुणांक, देखो यहाँ x है, x का गुणांक कितना, कुछ नहीं है तो कितना, एक, यहाँ तो x है ही नहीं तो इसका जीरो हो जाता, यहाँ x का गुणांक एक, और यहाँ x का गुणांक कितना होता, अंडर रूट का दो। तो किसी का भी गुणांक पूछ ले तो उसके जो गुणा में है ना वो आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पर तीसरा सवाल, 35 घात के द्विपदी, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, यानी कि 35 जो घात है, 35 घात आवर स्क्वायर है ना, के द्विपद का उदाहरण लिखना है। 35 घात होने चाहिए और पद कितने होने चाहिए, दो, जैसे यहाँ एक दो तीन, कितने पद हैं, तीन पद, तो इसे कहेंगे त्रिपद बहुपद, ये एक दो तीन, इसे भी कहोगे त्रिपदी बहुपद, यहाँ दो पद है तो इसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। तो आपको अपनी मर्जी से 35 घात होनी चाहिए और पद कितने होने चाहिए, दो, जैसे
एक्स की घात 35 प्लस आप लिख सकते हो 2, तो ये वाला हो गया आपके घात हो गए 35 और पद कितने हो गए 2 हो गए, हो गया उदाहरण। और बना सकते हो मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो आप। और ले लो जैसे यहाँ हो गया वाई की घात 35 प्लस हो गया आपके 20, देखो पद हो गए 2 और घात कितने हो गए 35, ये भी लिख सकते हो। कोई से उदाहरण बना सकते हो जिसमें 2 पद होने चाहिए, घात 35 होनी चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरा देखो 100 घात में कितना पद है, 100 घात के एक पदी, ठीक है ना। अब 100 घात तो कितने होनी चाहिए 100, और पद कितना होना चाहिए एक, केवल एक ही पद होना चाहिए। जैसे ये तो दो एक ही पद, जैसे x की घात 100 ये हो गया एक पद, एक है और घात कितनी है 100 है। जैसे दूसरा ले लो 2x की घात 100 हो गया, ये भी एक पद है। जैसे ले लो 3t की घात ले लो 100 हो गया, ये भी एक पद है और घात कितनी है 100 है। ऐसा एक उदाहरण कोई सा भी दे सकते हो आप, आगे समझ में उतारो। देखो सवाल नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये जो बहुपद दे रखे हैं ना, इसमें बहुपद की क्या लिखनी है आपको, घात। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे बड़ी घात देखनी है, जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की क्या होगी, घात होगी। जैसे देखो पहला यहाँ 5x घात 3 यहाँ प्लस 4x घात 2 प्लस 7x। अब देखो सबसे बड़ी घात कितनी 3 है, यहाँ बताओ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके 3, सबसे बड़ी घात देखनी है। अब देखो इसमें देखो 4 - y की घात 2, तो सबसे बड़ी घात कितनी है 2 ही है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगी बहुपद की घात, बताओ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। अब देखो यहाँ 5t - √7, अब देखो यहाँ t के ऊपर कोई घात नहीं है तो कितनी मानेंगे 1 मानेंगे। अगर कोई भी जो चर राशि है, अंग्रेजी वाला अक्षर है, उसके ऊपर कोई घात नहीं है तो घात कितनी मानेंगे 1 मानेंगे। और बहुपद में घात केवल अंग्रेजी वाले अक्षर की ही देखनी है आपको, ठीक है ना, चर पद की देखनी है, अचर की नहीं देखनी है, ठीक है। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगी, बहुपद की जो घात होगी वो जाएगी आपके 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब बेटा यहाँ पर अंग्रेजी वाला अक्षर ही नहीं है, अगर अंग्रेजी वाला अक्षर नहीं है केवल ये वाला नंबर है, तो देखो अगर मैं यहाँ 3x की घात 0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 का उत्तर कितना होता है 1 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 हो तो उसका उत्तर कितना होता है 1 होता है। तो 3x की घात 0 का मतलब (a) = कितना है 3, तो यहाँ x की घात कितनी है 0, इसका मतलब बहुपद की घात भी कितनी है, बहुपद की जो घात है वो कितनी है 0 है। समझ में आ गया, यहाँ अगर अचर पद ही है तो फिर बहुपद की घात कितनी है 0 है, ठीक है। ये हो गया आपके देखो पांचवा बहुपद, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। देखो तीन प्रकार के बहुपदों के नाम बताया हुआ है अच्छे से, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। जिस बहुपद की घात 1 है वो रैखिक बहुपद कहलाता है, घात 1 है तो रैखिक, घात अगर 2 है तो द्विघाती बहुपद कहलाता है, घात अगर 3 है वो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। सबसे बड़ी घात अगर बहुपद की 1 है तो रैखिक बहुपद, 2 है तो द्विघाती बहुपद, 3 है तो त्रिघाती बहुपद। देखो सबसे पहले नंबर 1 बताओ इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है 2, x घात 2 और प्लस x है तो 2 घात है, इसका मतलब ये कौन सा बहुपद है, ये हो जाएगा आपके द्विघाती बहुपद। समझ में आया, सबसे बड़ी घात देखनी है, घात 2 है तो द्विघाती बहुपद। अब देखो यहाँ पर x - x घात 3, देखो सबसे बड़ी घात कितनी है 3, 3 है तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके त्रिघाती बहुपद। समझ में आ गया ना, बहुत आसान है, मजा आ रहा होगा पढ़ने में तुम्हें। अब देखो ये वाला y + y की घात 2 + 4, अब बताओ यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, 2 है तो कौन सा बहुपद होगा, ये हो जाएगा आपके द्विघाती बहुपद, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 1 + x, अब देखो 1 + x हमें घात केवल x पर देख, मतलब चर वाला जो नंबर है अंग्रेजी वाला अक्षर उसी पे देखनी है, x की घात कुछ नहीं है कितनी है 1 है, बताया हुआ है 1 है तो बताओ कौन सा बहुपद होगा, ये हो जाएगा रैखिक बहुपद, ठीक है। 3t, देखो t के ऊपर कुछ नहीं है तो कितनी है 1 है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया आपके
रैखिक बहुपद। R की घात 2, जब घात कितनी है 2, तो कौन सा बहुपद है? ये है आपके द्विघात बहुपद, ठीक है। 7x की घात 3, जब घात कितनी है 3, तो कौन सा बहुपद है? ये हो जाएगा आपके त्रिघात बहुपद। तो ये आपके प्रश्नावली समाप्त होती है। आप लोगों को यदि अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करो और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि सभी छात्रों को इसका फायदा मिल सके, ठीक है।